हाय फ्रेंड, मैं जिशु। ये 1998 मर्सिडीज बेंज है। एस क्लास है। एक मिनट, 320D V6 इंजन है इसका। एयरमेटिक प्रॉब्लम था, हम लोग रेडी किया। क्या रेडी किया, हम लोग खाली शॉक अब्जर चेंज कर दिया, बाकी बराबर हो गया। कुछ एयरमेटिक खोलने का नहीं पड़ा। 3 बोल्ट निकाला, शॉक अब्जर निकाला, दूसरा एयरमेटिक फॉल्ट असेंबली शॉक अब्जर का डाल दिया। स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग है गाड़ी। सब लाइट चला गया, पहले एयरमेटिक का लाइट आ रहा था, देख सकते हो। 1998, ठीक है, 1998। स्टार्टिंग है, V6 इंजन है, डीजल है। ये सब अब्जर चेंज किया था यार, मिट्टी का ये सीट डाउन हो रहा था। ये देख सकते हो सब अब्जर, ये पूरा सब अब्जर असेंबली हम लोग चेंज कर दिया। ये सब अब्जर खोलने का बहुत मुश्किल होता है, डायरेक्ट चेंज कर दिया, ठीक है, देख सकते हो। हाइट इस बराबर हो गया, पहले गाड़ी पूरा बैठ का था, बराबर हो गया। स्टार्टिंग में है गाड़ी, इसका ECM है, देख सकते हो। W211 चार्सी नंबर है, W211 चार्सी नंबर है। मैं बोलने वाला था इसलिए मैं देखा, W211 चार्सी नंबर है, 211 चार्सी नंबर है। मर्सिडीज बेंज 211, देख सकते हो। एस क्लास है, 320D V6 इंजन। एयरमेटिक प्रॉब्लम था, शॉक अब्जर पूरा चेंज कर दिया, गाड़ी बराबर हो गया। क्योंकि अभी थोड़ा हमारा फॉल्ट आ रहा है ABS का, ESP, वो सभी हम लोग बांध देखेंगे, कुछ सेंसर वेंसर गया रहेगा वो चेक करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।